पूरे करने जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे, पर इस बार हर बार से कुछ खास होगा, कुछ अलग होने वाला है। प्रधानमंत्री ने इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश के कोने कोने से युवा महिला मुखिया को आमंत्रण भेजा है, जिन्हें बेहतर काम के लिए सम्मानित किया जाएगा। इनमें पूर्वी चंपारण के महुआवा पंचायत की मुखिया सुनीता देवी का नाम भी शामिल है, जो आमंत्रण पत्र देकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला हर साल स्वतंत्रता के जश्न का गवाह बनता है। ये किला प्रधानमंत्री हर साल लाखों भारतीयों की मौजूदगी में यहाँ राष्ट्रध्वज फहराते हैं। पूरे देश में राष्ट्रगान की धुन गूंजने लगती है। इस लाल किले से करीब 1050 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर बसा है बिहार का एक जिला पूर्वी चंपारण। ये जिला भारत नेपाल बॉर्डर के करीब है। यही एक पंचायत है महुआवा। ये पंचायत इस वक्त सुर्खियों में है क्योंकि यहाँ की मुखिया को देश के प्रधानमंत्री ने न्योता भेजा है। ये न्योता किसी आम मौके पर नहीं बल्कि तब भेजा गया है जब देश आजादी के 77 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। मुखिया सुनीता देवी पीएम का आमंत्रण पाकर खुशी से फूले नहीं समा रही। आदरणीय मोदी जी ने हमको बुलाए हैं, बहुत खुशी के बात। आप कभी सोची थी कि प्रधानमंत्री का बुलावा सीधे आ जाएगा, सीधे आप जाइएगा मोदी? नहीं, हम कभी भी नहीं सोचे थे। कभी काल मैंने यहाँ आए थे मोदी जी तो हमको लगा से जाए हम भी मुलाकात करें, कुछ भी मांगे मेरे पंचायत के लिए। मुखिया सुनीता देवी नेपाल की बेटी हैं, शादी बिहार में हुई है और यही पंचायत चुनाव में उन्हें मुखिया भी चुना गया। सुनीता देवी ने मुखिया बनने के बाद स्कूल, सड़क, साफ सफाई और मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र पर खूब काम किया। पंचायत के लोग भी मुखिया के काम की तारीफ करते हैं। इन्होंने भारत और नेपाल की सीमा पर एक प्रवेश द्वार भी बनवाया है। ये द्वार भारत में आने और भारत से जाने वाले लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। मॉडल आंगनबाड़ी बनाए हैं, हाई स्कूल के बाउंड्री कराए हैं और नेपाल इंडिया पर एक गेट बहुत बढ़िया बनाए हैं, जहां से अशोक स्थल हम अपना एथी से पैसा से लगाए हैं। पत्नी जब मुखिया हो और अपने काम में वाहवाही लूट रही हो तो पति को गर्व तो होगा ही। सुनीता के पति संतोष गिरी भी उनकी इस कामयाबी पर काफी खुश हैं। आप भी बहुत खुश होंगे एक पति होने के नाते? बहुत खुश है और मैं पूरे पंचायत के तरफ से देशवासी को, जिलावासी को और आदरणीय प्रधानमंत्री को आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी की तरफ से आमंत्रण मिलने से पहले सुनीता देवी के काम की जांच पड़ताल की गई। उनका काम काफी अच्छा पाया गया। स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में साफ सफाई, बच्चों के पढ़ने के लिए बेहतर इंतजाम के साथ सुनीता देवी ने गांव में साफ सफाई और अच्छी सड़कों के लिए भी बेहतर काम किया है। सुनीता के कामकाज के कारण ही आज प्रधानमंत्री भी इनके मुरीद हैं और इन्हें सम्मानित करने के लिए खुद लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए न्योता दिया है। मोतिहारी से संवाददाता अविनाश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बांग्लादेश में तनाव के बाद हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में निशाने पर हिंदुओं के आने पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि प्रताड़ित हिंदुओं को भारत में शरण मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर नियम के मुताबिक भारत सरकार कदम उठाती है तो वे इसका स्वागत करेंगे। तारकिशोर प्रसाद से बात की है न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत गुहा ने। बाद बिहार के सीमांचल इलाके में भी इसको लेकर खास चर्चा है क्योंकि जो सीमांचल का ये सीमा है ये बांग्लादेश से सटा हुआ है और इसको लेकर सामाजिक और भौगोलिक क्या बदलाव हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी हैं। सर, बांग्लादेश का तख्तापलट सीमांचल के इलाके में कितना? निश्चित तौर पर
सीमांचल में लगातार बांग्लादेश से घुसपैठ होता रहा है और हमारी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार भी काफ़ी संवेदनशील है और हम सबों का प्रयास है कि जो वहाँ तख्ता पलट हुआ है और जो हिंदू धर्म के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं उसे भारत संरक्षण दे और भारत में पर्याप्त इसके लिए कानून भी बना है और स्वाभाविक है कि जो विदेशों में जो हिंदू प्रताड़ित होंगे तो वो भारत की ओर देखेंगे और हम सब निश्चित तौर पर उन्हें संरक्षण देने का काम करेंगे। 1 करोड़ से अधिक हिंदू है वहाँ बांग्लादेश जो जिस पर फिलहाल टॉर्चर, क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, भारत सरकार उन लोगों को शरण देगा क्या? नहीं, निश्चित तौर पर भारत सरकार काफ़ी गंभीरता से इन सारे मामले को देख रही है और हम सबों का दायित्व भी है और हम सबों ने इसके लिए पर्याप्त कानून भी बनाया है कि हम बांग्लादेश के जो हिंदू हैं उनको कैसे हम संरक्षण दें, उस पर आक्रमण बंद हो और जो भारत की ओर देख रहे हैं, भारत आना चाह रहे हैं, उसे हम पर्याप्त संरक्षण भी देंगे। सुब्रत, न्यूज 18, कटिहार। एक तरफ बांग्लादेश में सियासी तूफान मचा है, दूसरी तरफ झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। संथाल में घुसपैठ के मुद्दे पर दायर एक याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें केंद्र और राज्य के रवैये पर कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई है। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ पर रोक कब? केंद्र और राज्य सरकार दे जवाब। घुसपैठ पर हंगामा नहीं, समाधान चाहिए। बांग्लादेश में भारी संकट के बीच झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई की। संथाल में घुसपैठ रोकने को लेकर की जा रही कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने राज्य और केंद्र दोनों सरकार से जवाब मांगा है। 6 जिलों के डीसी ने अब तक एफिडेविट डाली नहीं है, जबकि अक्टूबर 2023 के बाद केंद्र की ओर से भी कोई एफिडेविट नहीं दिया गया, जिसे लेकर कोर्ट ने गहरी नाराजगी जाहिर की। केंद्र के गृह सचिव को कहा है कि वो एफिडेविट जरूर एज ए लास्ट रिसोर्ट है उसको दें। कोर्ट का कहना था कि बाहर में हल्ला करने से कुछ नहीं होगा, कंक्रीट कुछ काम होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि घुसपैठ के मुद्दे पर सिर्फ हंगामा नहीं, ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है। संथाल में अवैध तरीके से बड़ी संख्या में जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनाए जाने पर कोर्ट ने UIDAI के निदेशक, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और BSF के DG को पार्टी बनाया है, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में हालात बिगड़े हैं वैसे में घुसपैठ का मामला और भी गंभीर हो जाता है। केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि 600 लोग उधर से इंटर करना चाहते थे तो माननीय न्यायालय ने कहा कि आज 600 की बात हो रही है, कल 6000, पहले 6 लाख लोग इंटर अप करेंगे और यदि हम लोग नहीं इसमें इमीडिएट कार्रवाई होती है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, तो गंभीर हालात उत्पन्न होने जा रहे हैं। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ याचिका दायर करने वाले